और उसके बाद ये मीडिया वाले नहीं जीतेंगे इधर नहीं बैठी फिल्म में प्लीज आने दीजिए प्लीज प्लीज आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए यह बड़े सुख की हमारी अनुभूति है हमारे बीच आकर उपस्थित हुए हैं सनातनी नेता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुशांत मजुमदार महाशय एक बार जोर से पर कुछ शब्द हमें सुनाने के लिए अनुग्रह कर रहे हैं आप सामने मातृशक्ति बैठी हुई है भगवान रामचंद्र की जितने भी महानुभाव यहाँ पे उपस्थित है मैं सबको सबकी तरफ से आपका पश्चिम बंगाल की भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पवित्र भूमि पर इस बंगाल की पवित्र भूमि पर जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु से लेकर एक से एक महापुरुष यहाँ पे आए आगे आने वाले समय में 22 तारीख को भारतवर्ष का एक नया इतिहास रचना होने जा रहा है जो मॉडल यहाँ पे हम देख रहे हैं राम मंदिर का ये राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और इसके साथ मुझे लगता है भारत वर्ष में एक नया दौर शुरू होगा एक नया युग शुरू होगा जो गांधी जी जो सपना देख के गए थे कि राम राज्य प्रतिष्ठा होगा वो राम राज प्रतिष्ठा होने का काम 22 जनवरी से शुभारंभ हो जाएगा जैसे बोलते गए हैं जननी जन्म भूमि स्वर्गाद भी गरियसी यानी मातृभूमि स्वर्ग से भी गरियसी होता है उसी को देखते हुए आगे आने वाले समय में भारतवर्ष भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा इसी के साथ हम पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति जैसे हमारे गंगा सागर मेला
हजारों सालों से चला आ रहा है, कितने सालों से किसी को पता नहीं, सब दौर के आते हैं, किसी ना कोई माइकिंग होता है ना कोई पोस्टरिंग होता है, लेकिन आप लोग ठीक भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांत से यहाँ पे पहुंच जाते हैं। कुंभ का मेला होता है 12 साल में एक बार, महाकुंभ आता है, ना कोई पोस्टरिंग होता है ना कोई माइकिंग होता है, सारे लोग प्रयागराज पहुंच जाते हैं। ये हजारों साल से चली आ रही हमारी इस महान संस्कृति को हमें ऐसे ही आगे बढ़ा के रखना है, आगे बढ़ा के लेके जाना है, हमारे आगे वाले पुस्तों को भी इसका धरोहर लेके जाना है। इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, फिर से धन्यवाद करता हूँ, और इस धरोहर को आप सब मिलके, हम सब मिलके आगे लेके जाएंगे, ये आशा रखता हूँ। सबको एक बार जय श्री राम। দেখুন এর তদন্ত হওয়া উচিত, তার কারণে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের এগেছে, হাইকোর্টে মামলা চলছে, পিআইএল চলছে, সেখানে দেখা গেছে সেই পিআইএল এ আদালতের সামনে এসে গেছে, থানা যে পরিমাণ গাজার কথা বলছে কমিশনারের অন্য পরিমাণ গাজার কথা বলছে, অর্থাৎ কমিশনারের টোটাল যদি 100 কেজি গাজার কথা বলে থানার হিসেবে দেখা যাচ্ছে 200 কেজি গাজা আছে, অর্থাৎ গাজা আদত হয়ে পাওয়া গেছে নাকি মামলা দেওয়া হয়েছে, অলরেডি হাওড়া কমিশনারের বিরুদ্ধে মামলা চলছে, অতএব তদন্ত হওয়া উচিত, সঠিক তদন্ত হয়ে ঠিক হওয়া উচিত। আজকে পুরুলিয়ার ঘটনার সম্পর্কে কি বলবে? অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা এবং লজ্জাজনক ঘটনা, আমাদের এই সরকারের হিন্দু বিরোধী মানসিকতা আরো একবার সামনে চলে এসেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দু বিরোধী মানসিকতা আরো একবার সামনে চলে এসেছে। গঙ্গাসাগর মেলাতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো অনুদান দেয় না, মুখ্যমন্ত্রী সরব হয়েছেন, কি বলবেন? মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে পাবে? ভারতীয় সরকার ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুদান নিলে পরে ভারত সরকারের নাম দিতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী কোথাও নাম দেবে না, কোথাও ছবি দেবে না, শুধু সব জায়গায় নিজের হাত সময় ছবি লাগাবে, কে অনুদান দেবে? বলছি কুম্ভমেলার পাল্টা কি গাজাকে এই যে প্রবণতা, এটা অতীতেও দেখা গিয়েছিল বিজেপি কর্মীরা হাওড়া কমিশনারেটে রেখে সেটা নিয়ে মামলা চলছে, পিআইএল চলছে, আমি পিআইএল এর কপি আপনাদেরকে দিয়ে জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, বন্দে বাবু আমার Yeah.
ترجمة نانسي قنقر
के लिए इस कैंप के हमारे जो मेन उद्योक्ता है नरेश शाह जी जो ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट भी है, नरेश श्रीवास्तव जी जो वरिष्ठ पत्रकार रहे, हमारे साथ आए हुए सारे महानुभाव दीपांजन गोत, अमरनाथ घोष, सौरभ सिंह, सूरज हमारे कार्यकर्ता सबको यहाँ पे बुलाने के लिए, सम्मान करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। हर साल ऐसे ही आप लोग पुण्यार्थियों की सेवा में लगे रहे, आगे आने वाले समय में भी आपका कैंप चले और हजारों की संख्या में पुण्यार्थी को आप सेवा कीजिए। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की यही मूल बात है कि सेवा, जीव की सेवा में ही शिव मिलता है, जीव की सेवा करने से ही शिव की प्राप्ति होती है। तो काम आप लोग कर रहे हैं, आगे आने वाले 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन है, इसलिए इस बार का गंगा सागर जो मेला है ये बहुत बहुत ही अलग किस्म का एक फीलिंग ला रहा है, क्योंकि इस गंगा सागर में जो भगीरथ माता गंगा को यहाँ पे लाए थे और सागर राजा के 60,000 पुत्रों की जो आत्मा की शांति हुई थी वो भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे, उसी के उन्हीं के वंश में भगवान रामचंद्र की जन्म हुई। तो भगवान राम की अयोध्या ये बंगाल की पूर्ण भूमि से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सीधा कनेक्टेड है। तो इसलिए आप सबको राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस की शुभकामनाएं मैं यहाँ से आप सबको देता हूँ, और उस दिन अपने घर को दीपावली को जैसा दीपक से सजाइए, पूरा देश उस दिन सजेगा झूमेगा, और ये सबको मिल के हमें करना है, हमारे इस प्रयत्न को एक और लेकर के सब बनाना है कि पूरा भारत एक बार फिर से दीपावली उस दिन पालन कर रहा है। और फिर से मैं नरेश साहब को एक बार धन्यवाद देता हूँ, नरेश श्रीवास्तव जी को एक बार धन्यवाद देता हूँ, सबको वेलकम नमस्कार। संघ की
और